हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आर चैनल आज हम डी फ्लोटिंग लोटस बनाएंगे जो बहुत ही अच्छा यूज़ होगा डेको पर्पज़ के लिए इसके लिए हमें इस तरह की फोम शीट का यूज़ करना है और उस पर हम तीन सर्कल्स बना लेंगे अलग अलग साइज की छोटा थोड़ा ज़्यादा बड़ा एंड सबसे बड़ा उसे इस तरह से हम अब फ्लावर का एक शेप बना लेंगे देखिए इस तरह से मैं बीचों बीच कट कर रही हूँ फिर उसके साइड्स को हम इस तरह से कट कर लेंगे आप चाहें तो पहले पेंसिल से कर सकते हैं ये काम एंड फिर आप उसे कट कर लिएगा नीटली देखिए इस तरह से फ्लावर का शेप दे देंगे हम इसी तरह से तीनों हमें बना के लेना है फ्लावर का यहाँ मैंने तीनों बना लिया है अब ये आयन जो है मैंने तीस सेकेंड के लिए गर्म करके उसे अनप्लग कर लिया था और उस पर हम इसे फोम शीट को इस तरह से पेंसिल की मदद से दबाते हुए उसके साइड्स को दबाएंगे तो वो इस तरह से कर्व हो जाएगा आप ध्यान रखिएगा कि स्त्री को जो है ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना है सिर्फ तीस सेकेंड के लिए नहीं तो आपको भी चटका लग सकता है ये करते करते और इसे अनप्लग करना ज़रूर याद रखिएगा देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर का शेप जो है वो हो चुका है तो अब मैंने ग्रीन फोम शीट पे जो है इस तरह का एक लीफ का शेप लिया है एंड पेंसिल का जो पीछे का हिस्सा होता है उससे इस तरह से उस पर हम लाइंस बना लेंगे एना अभी उसी गरम स्त्री पे मैंने वापस से गरम भी नहीं किया है जितना वॉम है उतना काफ़ी है देखिए इस तरह से इसके साइड्स को जो है मैं प्रेस कर लूँगी थोड़ा सा कर्व सा शेप आ जाएगा देखिए इस तरह से आप दबा भी सकते हैं जब वो थोड़ा सा वॉम हो साइड्स को इस तरह से दबा दबा के देखिए इस तरह से थोड़ा सा उसको शेप देना है लीफ का ये लीफ भी रेडी हो गया हमारा अब ये येलो फोम शीट पे एक स्ट्रिप कट कर ली मैंने पतली वाली और उसके साइड्स को जो है इस तरह से हमें एक साइड से कट लगाने हैं अंदर तक नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर से जो है कट लगाना है ये हो गया है अब इसे इस तरह से फोल्ड करना है हमें सर्कल में और ये बीचों बीच हमारा लगने वाला जो पोलन वाला हिस्सा है वो बन गया है वो गर्म स्त्री पे ही थोड़ा सा मैं इसे इस तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि शेप जो है अच्छे से सेट हो जाए अब इसे हम ग्लू की मदद से फिक्स कर लेंगे गाइज ये बहुत अच्छा डी आई वाई है आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये बहुत अच्छा भी दिखता है एंड बिल्कुल मेहनत भी नहीं है बनाने में बहुत झटपट बन जाता है ये हो गया फिक्स अब हम इस, इस पूरे फ्लावर को जो है असेंबल कर लेंगे जो सबसे बड़ा वाला शेप था ना फ्लावर का उसे नीचे रखते हुए मीडियम वाला उसके ऊपर चिपका देंगे पेटल्स को अच्छे से सेट से कर लेंगे अब बीचों बीच जो सबसे छोटा फ्लावर का वाला था ना उसे थोड़ा ऊपर और फोल्ड करते हुए हम सेट कर लेंगे बीचों बीच पेटल्स का शेप जो है अच्छे से सेट कर लीजिएगा एंड बीचों बीच जो हमने पोलन बनाया उसे सेट कर लेंगे अब इस पूरे फ्लावर को जो है हम इस लीफ पे ग्लू कर लेंगे एंड हमारा डी फ्लोटिंग लोटस जो है बन के रेडी है मैं इसे पानी में डाल के आपको दिखाती हूँ देखिए इस तरह से आप किसी भी उर्ली डेकोरेशन में इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा दिखेगा एंड ये बहुत बजट फ्रेंडली है गाइस जब इसका यूज़ खत्म हो जाए तो आप इसे पानी में से निकाल के किसी भी सूखे कपड़े से पहुँच दें एंड ये बिल्कुल देखिए सूखा हो जाएगा आप इसे री कर सकते हैं जितनी बार आप चाहें जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इस डी को एंड लेट मी नो योर फीडबैक्स इन कॉमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डू सब्सक्राइब टू द चैनल